हाय मैम, गुड न्यूज़ का ट्रेलर कैसा लगा आपको? वैसे तो अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज़ होती है वो फ़नी होती है, और जैसा कि हमने इसका पोस्टर देखा है तो उससे तो यही समझ में आता है कि ये काफ़ी एंटरटेनिंग होगा, तो हम लोग इन्जॉय करेंगे। लाइक अक्षय कुमार की और करीना कपूर की जो भी मूवीज़ होती है वो मेरी फेवरेट होती है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अच्छा, इसमें दिलजीत दोसांझ भी है, पर जैसे मैं जाता हमेशा ज़्यादातर वो पंजाबी मूवीज़ ही करता है, बॉलीवुड में अब तक ज़्यादा मूवीज़ करी नहीं है, ये शायद उसकी दूसरी मूवी है। उसकी और करीना कपूर की पहले उड़ता पंजाब में केमिस्ट्री हम देख चुके हैं, इस बार फिर से वो आ रहे हैं, पर इस बार केमिस्ट्री तो नहीं क्योंकि पेयर अलग है, इस बार वो अलग एक्ट्रेस के साथ है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? वैसे तो मैं पंजाबी मूवीज़ देखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी होगी केमिस्ट्री। गाने सुनूंगी आपने दिलजीत के? हाँ शायद, एक कुड़ी जिद्दा नाम मोहब्बत, हाँ दिलजीत दोसांझ का गाया हुआ है। अच्छा, आप एक दो पंजाबी में मुझे समझती नहीं है, बट उन्होंने एक दो मूवीज़ देखी हुई है, टॉमी वो भी बड़ा चंगा सीखी। अच्छा, मतलब अक्षय कुमार ज़्यादा एक्साइटेड के दिले, अक्षय कुमार लिए दिलजीत लिए? ट्रेलर बड़ा सोना लग गया सानू, वी आर वेटिंग फॉर द मूवी। है मैम, आपको गुड न्यूज़ का ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर काफ़ी अच्छा था और बहुत फनी था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वॉच इट। ओके, इसमें अक्षय कुमार इज अगेन एक कॉमेडी जॉनर कर रहे हैं, बट इसमें दिलजीत दोसांझ जो कि हम जानते हैं कि पंजाबी मूवीज़ मैं अपनी कॉमेडी एक्टिंग के लिए ही जाने जाते हैं, द पैचिंग अप टुगेदर, यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ डबल फन? इट विल बी अ ग्रेट पिक्चर, आई गेस इट विल बी फनी देन हाउसफुल 4। ओके, इट विल सो गुड, आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली सी इट। ऑलराइट, हेलो हेलो मैम, मैम आपने अभी जो गुड न्यूज़ का ट्रेलर है वो आया, वो देखा आपने? यस। मतलब कैसा लगा आपको? इट इज गुड, अच्छा है। अच्छा, मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग गुड कॉमेडी आउट ऑफ इट, क्योंकि जॉनर उसका कॉमेडी है? यस, वेरी हाई कॉमेडी। अच्छा, ये विकी डोनर जैसा लग रहा है कुछ कुछ। अच्छा, ये कंसेप्ट एक्चुअली में बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ टॉपिक है बॉलीवुड में इटसेल्फ, उसके बारे में व्हाट थॉट्स डू यू हैव? जिसमें कॉन्सेप्ट है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का है, और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट शाहरुख खान, आमिर खान, यू से बॉलीवुड में तो काफ़ी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबीज़ हो रहे हैं, तो अगर ऐसे कंसेप्ट की मूवी आती है तो जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, उनको एक सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड इशू, और इसमें उन्होंने ह्यूमर ऐड किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये और भी अच्छी बात है कि वो एक सोशल कंसेप्ट को वाया ह्यूमर लेके आ रहे हैं। एंड द पेयरिंग ऑफ करीना कपूर एंड अक्षय कुमार इज़ वेरी वेरी गुड। लेट्स कीप असाइड द पेयरिंग ऑफ अक्षय कुमार एंड करीना कपूर, जो दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर का जो केमिस्ट्री थी हमने पहले भी देख चुके हैं, एंड एज वी नो दिलजीत दोसांझ ने अभी तक बॉलीवुड में ज़्यादा मूवीज़ करी नहीं है, और अभी जो पहले करी थी उसके बाद सेकंड मूवी दोबारा से करीना कपूर के साथ है, वो केमिस्ट्री ट्रेलर को देख के क्या पता लग रहा है उससे? काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे पहले उड़ता पंजाब में थी तो वो सीरियस था और इस बार कॉमेडी है। दिलजीत इज़ नोन फॉर इनफैक्ट कॉमेडी रोल्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड कॉमेडी। हेलो मैम, आपने अभी रिसेंटली एक ट्रेलर आया दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार की मूवी का, क्या आपने वो देखा? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मतलब किस सेंस में, कंसेप्ट वाइज या फिर इफ़ यू आर डाई हार्ट फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार? यस, एक एंटरटेनिंग के लिए एक अलग कंसेप्ट है, सो इट्स गुड, एंड अक्षय कुमार इज गुड फॉर एंटरटेनिंग, सो एंड आई आल्सो लव दिलजीत दोसांझ। यू लव दिलजीत दोसांझ? यस। एंड ये पेयरिंग पहली बार, मतलब जैसे मैं बोलूँ पहली बार नहीं हुई है अक्षय जो करीना का पूरा दिलजीत दोसांझ की है, हालांकि इस बार थोड़ा सा अलग रोल में है, वो रोल्स अलग कॉमेडी में है, तो वो आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है? हाँ अच्छी है, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों की, और अच्छा दिलजीत दोसांझ ने तब परफॉर्म किया था बॉलीवुड में, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलीवुड का नाम ऊँचा करेगा। ओके, इसमें जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो शायद बॉलीवुड में ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ, एक विकी डोनर आई थी इससे पहले एक मूवी, वो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा छू रहा था, ये और इसका थोड़ा ज़्यादा एडवांस वर्जन है, उसके बारे में आप व्हाट रिएक्शन वुड यू लाइक टू गिव? एक अच्छा वर्जन है, अच्छे एक्टर्स हैं, दिलजीत दोसांझ कॉमेडी मूवी अच्छा कॉम्बिनेशन है, वी आर एक्सपेक्टिंग अच्छी मूवी होगी, ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, एंड बेस्ट ऑफ लक मूवी के लिए, अच्छी मूवी हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गाइस।